गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं। एंड देखो अभी तो बिना शावल या फ्री के साथ मॉर्निंग वॉक जा रहा हूँ, तो चलो चाहते हैं मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करके फिर घर आके देखते शावर वगैरह लेते हैं एज यूजुअल यू नो। तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ से पैदल सीधा तराव पे पास जाएंगे एंड उधर जाके 3 राउंड लगाएंगे नॉन स्टॉप, मतलब रेस्ट नहीं करेंगे, 3 राउंड लगाएंगे फिर वापस आएंगे। तो इसके 5 किलोमीटर तो मे भी हो जाने चाहिए। तो बस इतना हर रोज चलने को डॉक्टर ने कहा है। तो चलो फेक के साथ हम भी थोड़ा घूम लेते हैं सुबह सुबह। बाकी देख रहे हो बहुत सुबह उठ चुके, अराउंड अभी टाइम हो रहा है 6:08, तो मतलब बहुत सुबह है मेरे लिए। तो राउंड फेंक के कंप्लीट करवाते इधर से उधर तक। देखो वॉक करके वापस आ चुके, शावर वगैरह ले लिया एंड पापा एंड वो लोग भी वापस आ चुके। 2 दिन पहले मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था क्योंकि या तो मेरा फोन बंद हो जा रहा था या फिर मैं बिजी रहता था। तो मतलब जो सर्जरी का था वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया क्योंकि रिपोर्ट वगैरह अभी थोड़े बेटर आए हैं, तो मतलब करवानी तो पड़ेगी लेकिन यू नो थोड़ा टाइम है। तो चलो चलते चाय नाश्ता करते सबके साथ। आज नाश्ते में मम्मी ने रोटी को बनाया फिर उसको फ्राई करके मतलब चाय के साथ दे दिया, तो पूरी जैसा लग रहा है। तो हम सबका भी मतलब नाश्ता चल रहा है सुबह का। तो देखो अभी तो बस जनरली मस्ती मजाक चल रहा है, मेरा भाई शावर लेने जा रहा था तो सब लोग उस पर मस्ती करने लग गए। तो देखो आजकल मैं ऐसे कामों में बिजी रहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पेपर्स एंड रिपोर्ट वगैरह देखने में एंड फिल करने में ही टाइम निकल जाता है। तो देखो इसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, यहाँ पे हमारे विलेज के सारे मेंबर्स की डिटेल्स रहती है। तो देखो वहाँ का काम निपटा के अभी दोस्त के पास, इधर थोड़ा बहुत काम है दोस्त का वो निपटा के फिर देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा मेरे ही गाँव में निकल जाता है इधर उधर घूमने में। तो अभी फार्म पे आए हैं, मतलब थोड़ा कुछ सामान था वो लेने फिर वापस घर। हाँ तो अभी घर आके लंच वगैरह सब कुछ कर लिया है। चलो अभी दोपहर के 1:20 हुई है, तो सो जाते हैं, 4 बजे देखते हैं कहाँ जाते हैं या फिर 5 भी बज सकते हैं, देखते हैं नींद कब खुलती है, थोड़ा आराम करते हैं। ऐसे भी बहुत धूप है, यू नो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन निकालना तो पड़ेगा। A few minutes later, मैं तो उठ चुका हूँ, 4:30 बज चुके। देखो मेरे कपड़े का कबाट कुछ ऐसे बिखरा हुआ है, मतलब सब कुछ मैंने वही रख दिया है एंड उस तरफ वाला सही पड़ा है एंड मेरे भाई का भी है उस तरफ। तो बाहर सब लोग सो रहे, मैं अकेला मेरे रूम में उठ चुका हूँ। तो चलो सोच रहा हूँ कि थोड़ा यही सेटअप कर ले। तो अब कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो नीचे के कुछ फोल्ड थे, कुछ ट्राउजर्स फोल्ड नहीं थे, कुछ टी शर्ट फोल्ड नहीं थे तो उसको सेट किया, ऊपर के सारे फोल्ड किए लाइन में रखे पेयर्स बना के। बाकी तो या अभी कुछ ऐसा लग रहा है, बताना मुझे आया कि फोल्ड करना नहीं भी आया, आई डोंट नो, लेकिन मुझे अभी के लिए मैच्योर दिख रहा है तो बस मैंने इतना ही किया। तो ये होता है गांव का नेचर, यहाँ पे देखो मतलब भैंसे इसी पानी में नहाती धोती है पीती है एंड हम लोग इसी पानी को फिल्टर करते हैं। तो अभी देख रहे हो हम फार्म पे आए हैं, यहाँ पे मतलब डैडी के काका डैडी का एंड बहुत लोगों का फार्म है, मतलब हमारे रिलेटिव का बहुत सारे फार्म्स हैं यहाँ पे। सामने देखो कितनी सारी विंड मिल्स लगी है एंड सबकी लाइट एक ही टाइमिंग पे वाइट ब्लिंक हो रही है, अमेजिंग लग रहा है। तो अभी गर्मी के दिन है, 8 बज चुके फिर भी रात नहीं हुई है एंड 8 बजे विंड मिल की लाइट सारी रेड हो जाती है। तो सब लोग अचानक खड़े होकर देख रहे हैं कि विंड मिल की लाइट चेंज क्यों हो गई, मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हो रेड लाइट्स जल रही है। तो ये है हमारा आज का डिनर। चलो डिनर कम्प्लीट करते हैं फिर मैं तो जा रहा हूँ डायरेक्ट शावर लेने। हाँ तो अभी 10 बज चुके एंड देखो मैं शावर लेके फ्री हुआ हूँ एंड अभी या बस सो जाऊंगा। तो चलो इस लोग को यही पेंट करते
मिलता हूँ आप सबको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।